अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर गुड। आई एम खदीजा रहमान। वेलकम यू टू ऑल टू दिस समाधान स्पेशल फ्रीलांसिंग कोर्स लेक्चर नंबर 20। आज हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि वर्डप्रेस की सेशन में हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन फर्स्ट है, इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स अबाउट वर्डप्रेस, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं लोकल होस्ट पर, होस्टिंग क्या है, एडवांटेजेस लाइव होस्टिंग, लोकल होस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड द नेक्स्ट वन के वेबसाइट को लोकल होस्टिंग पर इंस्टॉल करके किस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, लाइव होस्टिंग परचेज करने से पहले ये हम मैं जो है नेक्स्ट आपको बताऊंगी इसका क्या कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्डप्रेस डैशबोर्ड। डैशबोर्ड की फंक्शनैलिटीज को अंडरस्टैंड करेंगे, हाउ वी कैन यूज वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ठीक है, थर्ड में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द थीम्स एंड द प्लगइन्स और किस तरह से हम थीम्स और प्लगइन्स को वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, किस तरह से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की जो है फंक्शनैलिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं प्लगइन्स को और थीम्स को यूज करके। तो थीम्स का थोड़ा मैं आपको बता दूं, थीम्स जो होते हैं हमारी वेबसाइट की जो ओवरऑल अपीयरेंस होती है, लेआउट होता है, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो भी होता है वो हमारा थीम होता है। और जो प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स हमारी वेबसाइट की एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज में को इन्हांस करते हैं, ठीक है, एक्सटेंड करते हैं और या न्यू फंक्शनैलिटीज जो है प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ वन है हाउ टू कस्टमाइज वर्डप्रेस, कि हम किस तरह से एडिट करेंगे, किस तरह से अपना अपनी वेबसाइट का जो है डिजाइन अपडेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज एलिमेंटर प्लगइन एंड एक्स्ट्रा थीम। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंटर प्लगइन क्या है एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा थीम। जितने लोग वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं उनमें से 80-90% लोग जो है एलिमेंटर प्लगइन और एक्स्ट्रा थीम को यूज करते हैं। उसको हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट वेबसाइट मेकिंग यूजिंग एलिमेंटर। तो यहाँ तक जो है हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एलिमेंटर को यूज करके हम वेबसाइट किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। सेवंथ वन में कस्टमाइजेशन ऑफ वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर। अब वेबसाइट क्रिएट करके उसको एलिमेंटर के थ्रू इजी वे में किस तरह से हम कस्टमाइज करेंगे ये हम देखेंगे कस्टमाइजेशन ऑफ वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर। एंड एट द एंड एट्थ में हम देखेंगे अपलोडिंग वेबसाइट ऑन लाइव होस्टिंग। जब हमारी वेबसाइट जो है बिल्ट हो चुकी होगी, ठीक है, अब हम सेटिस्फाई होंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम पहले हम उसको लोकल होस्टिंग पे फ्री में किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और उसको कस्टमाइज करेंगे। जब हम सेटिस्फाई हो चुके होंगे फिर मैं आपको बताऊंगी एट्थ नंबर पे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को लाइव ला सकते हैं इंटरनेट पर। ठीक है, तो वो डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं और क्या क्या पैकेजेस वो ऑफर करते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस देख लें कि अगर हम प्रोग्रामिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट बिल्ड करते हैं, तो अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम वो वेबसाइट 2 मंथ्स में बिल्ड कर रहे हैं तो वही वेबसाइट हम वर्डप्रेस को यूज करते हुए इवन 2-3 डेज में बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी डिफरेंट एडवांटेजेस हैं कि वर्डप्रेस को क्यों ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि इजी टू यूज है। ठीक है, अगर एक इंसान प्रोग्रामर नहीं भी है तो इजीली वो वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट कस्टमाइज कर सकता है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो पेड हैं, लेकिन वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर जो है ये फ्री है, लेकिन हम जो है फ्री की तरफ ही रहेंगे। ठीक है, और जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो थीम्स को क्रिएट करके अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर वो थीम्स हम अपनी वेबसाइट में यूज कर लें तो हम कमाल की वेबसाइट बना सकते हैं। तो जितनी भी इंटरनेट पर वेबसाइट्स हैं उनमें से 40% वेबसाइट्स जो हैं वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई हैं। ठीक है, वर्डप्रेस ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, विच मीन्स कि कोई भी फ्री में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे, उसको मॉडिफाई करे, यूज करे। यानी कि वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं। किस मेथड के थ्रू? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू।
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मींस कि आपको बनी बनाई वेबसाइट मिल जाएगी, आपने उसमें थीम्स प्लगइन्स डाउनलोड करके अपलोड करनी है, ठीक है, बनी बनाई वेबसाइट मिलेगी। आपने बस करना क्या है कि आपने उस वेबसाइट पे जाके कंटेंट को सिर्फ मैनेज करना है, एडिट करेंगे हम, अपडेट करेंगे और उस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट बना लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल दूं आपको कि जिस तरह हम एफडी है हमारे पास, तो हम अपना ईमेल, फोन नंबर, इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड करके वहां पे जाके अकाउंट अपना बना लेते हैं। हालांकि वो वेबसाइट किसी और की ही है लेकिन अकाउंट उसमें अपना होगा, लेकिन वर्डप्रेस को यूज करके जो हम वेबसाइट बनाएंगे कस्टमाइज करके, वो वेबसाइट ही हमारी अपनी होगी, ठीक है। ये डिफरेंस है। और नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो लोग डेवलपर्स नहीं भी हैं वो इजीली वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ये हम बात पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट्स कैन वर्डप्रेस मेक, कि वेबसाइट कौन सी, कैसी, किस किस्म की वेबसाइट जो है हम वर्डप्रेस को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बिजनेस वेबसाइट्स, वूकॉमर्स स्टोर्स, ब्लॉग्स, रिज्यूम, सोशल नेटवर्क्स, ये हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड है वूकॉमर्स स्टोर्स, आपको आइडिया है वूकॉमर्स? नहीं, बल्कि वूकॉमर्स मैं आपको खुद बताऊंगी वूकॉमर्स स्टोर्स क्या होते हैं। आपको ई कॉमर्स का आइडिया है? व्हाट इज ई कॉमर्स? अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स वेबसाइट की तो आप में से कोई बताना चाहेगा Amazon. क्या मतलब है ई कॉमर्स वेबसाइट का? Amazon. Amazon ई कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है? मैम इधर मतलब ऑनलाइन चीजें मिलती हैं तो होलसेल, इंटरनेट के थ्रू जो भी हम बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेट के थ्रू करते हैं, और जिस वेब इंटरनेट के थ्रू करेंगे, इतने से हम कोई वेबसाइट क्रिएट करेंगे ना, तो उसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, परचेज करेंगे या कुछ भी, तो उन वेबसाइट्स को हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो सेल करेगा उसको हम कहते हैं वेंडर, ठीक है, और जो परचेज करेगा कोई भी प्रोडक्ट वो होगा क्लाइंट या कस्टमर, ठीक है। अगर आपने अपनी कोई वूकॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ठीक है, या अपने क्लाइंट को बना के देनी है, ठीक है, तो वहां आप अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्वालिटी, प्राइस, और इसमें सिंगल वेंडर भी हो सकते हैं और ये मल्टी वेंडर भी, ठीक है। सिंगल वेंडर में क्या होगा कि एक ही शख्स जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन मल्टी वेंडर वेबसाइट्स के थ्रू क्या है, डिफरेंट लोग आएंगे, डिफरेंट लोग अपना अकाउंट बनाएंगे और अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे, और जो परचेज करेगा वो कोई और पर्सन होगा, जो सेल करेगा वो कोई और होगा, और आप सिर्फ एक थर्ड पार्टी होंगे, और जो खरीदेगा उससे आप अमाउंट लेंगे, अपना कमीशन काट के बाकी जो है सेलर को दे देंगे। अब वूकॉमर्स क्या है? अगर इस तरह से ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग वेबसाइट हम वर्डप्रेस को यूज करके बनाते हैं तो वो वूकॉमर्स स्टोर है, और अगर वही वेबसाइट हम प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाते हैं, कोडिंग करके बनाते हैं, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, ठीक है। ये डिफरेंस है इनमें। आई होप सो समझ आ गई होगी। और ब्लॉग्स में जो है लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते हैं, वेबसाइट्स पे जाके अपलोड करते हैं ब्लॉग्स, ये उसकी बात कर रहा है। और रिज्यूम्स में, रिज्यूम्स ये है कि अगर ऐसी वेबसाइट आप बनाना चाहें जिसमें खुद को आप रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, आप कौन है, आपकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपर्टीज, फ्रॉम वेयर यू आर, और आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, इस तरह की पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आप बना सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। नेक्स्ट जो है सोशल नेटवर्क्स, जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, FB, YouTube, इस तरह की वेबसाइट्स भी हम बना सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स की। ये हमारे पास टू काइंड ऑफ वर्डप्रेस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, wordpress.com एंड wordpress.org। अब हमें कैसे पता चलेगा wordpress.com और wordpress.org में क्या डिफरेंस है? दोनों ही जो है वर्डप्रेस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या दोनों ही अलग अलग कंपनीज हैं। wp.com जो है ये प्रो वर्जन है वर्डप्रेस का, प्रो के साथ साथ ये पेड वर्जन है, प्रोवाइड करेंगे आपको, लेकिन इसके इसका ये है कि ये काफी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, अपडेशन करते रहते हैं, और अगर कोई बग आता है, एरर आता है, तो ये खुद उसको फिक्स करके देते हैं।
और wordpress.org की बात करें तो ये कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ से आप वर्डप्रेस को वर्डप्रेस फाइल डाउनलोड करके अपने पर्सनल यूज के लिए आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। एज ए बिगनर हम wordpress.org की तरफ जाएंगे, पेड वे की तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और वर्डप्रेस वेब डेवलपर बनने से पहले आई थिंक इसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना बहुत जरूरी था। ये ना हो कल कोई पूछे कि wordpress.com और अच्छा है या wordpress.org और हमें ये नहीं पता होना ना हो कि वो क्या है, ठीक है। लेकिन wordpress.org का यह है कि ये एक लिमिटेड स्पॉट देते हैं, कंप्लीट स्पॉट नहीं देते। इसमें अपडेशन मिलती है लेकिन अगर कोई बग आ जाता है तो इसको किस तरह से रिमूव करेंगे ये हम जो है खुद बग्स फिक्स करते हैं। तो लेकिन हमारे लिए wordpress.org जो है ये बेस्ट ऑप्शन है फॉर बिगिनर्स, ठीक है। कभी भी हम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं करेंगे। यही बताएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस इज द फ्री ओपन सोर्स वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर दैट यू कैन इंस्टॉल ऑन योर ओन वेब होस्ट टू क्रिएट वेबसाइट, दैट्स 100% योर्स। एंड wordpress.com इज अ for profit paid service that is powered by the wordpress.org software, simple to use but you lose much of the flexibility of the self hosted. yahi baat wo kar raha hai ki hum wordpress.org jo hai ye best option hai. discussion session start ho gaye to isme agar main aap se kuch poochu to bata payenge aap kitne members hain hamare 14 members हैं। मिस्टर स्वेन आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके ये बताएं कि हम किस तरह की वेबसाइट्स वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं। आप अपने रियल नेम से ज्वाइन किया करें, इस तरह से पता नहीं चलता। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है। मिस अमरीन आप बताएं। अच्छा, चैट बॉक्स में बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की बना सकते हैं। भाई आप माइक अनम्यूट करें और फिर हमें बताएं कि किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की। एनी वन ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड काइंडली एक्सप्लेन कि हम किस तरह की वेबसाइट्स वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस वेबसाइट, वूकॉमर्स वेबसाइट, रिज्यूम्स। और ओके मिस्टर उसामा आप काइंडली अनम्यूट योर माइक और ये बताएं कि वू कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। मिस्टर अवैस आप बताएं। ओके फजले रवि आप बताएं। जो वेबसाइट हम लोग वर्डप्रेस के थ्रू बनाएंगे वो वूकॉमर्स होगी सेलिंग एंड परचेजिंग के लिए, और जो हम उस पे पेड बनाएंगे वो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी। जो हम मतलब पेड करेंगे वो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, जैसे कि आपने पहले बताया था कोडिंग के थ्रू करके बनाएंगे, ठीक है। कोडिंग के थ्रू बनाएंगे। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वर्डप्रेस फाइल आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस फाइल को किस तरह से हम डाउनलोड करेंगे और फिर लोकल होस्टिंग पर किस तरह से उसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने आपको टू सर्विस प्रोवाइडर्स बताए हैं, wordpress.com एंड wordpress.org। wordpress.com का बताया है कि यहाँ पे जाके पेड वे से हम वर्डप्रेस फाइल को डाउनलोड करेंगे, लेकिन wordpress.org पे हम बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम की जानी, ओपन कर लेते हैं
wordpress.org। तो यहाँ पे हमारे पास बटन है गेट वर्डप्रेस का। अगर हम नीचे जाएं देखें कितना खूबसूरत इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। नीचे भी वो एक बटन है गेट वर्डप्रेस। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोड वर्डप्रेस 5.9.3। तो जी भाई हमें डाउनलोड करनी है, डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। हम कट करती हूँ मैं यहाँ से, इस फोल्डर में जाके प्लेस कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। जल्दी से हो गए। अब हमारे पास ये zip फाइल है, zip फाइल हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे, जल्दी से हो जाओ आप, ये टाइम ना देते हैं। एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हम वर्डप्रेस पे जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीन फोल्डर जो है WP Admin, WP Content और WP Includes, ये हमारे कंसर्न के फोल्डर्स हैं। ठीक है, WP Admin ने वेबसाइट बिल्ड करके जो एडमिन पैनल होगा, ठीक है, जहां से जाके कस्टमाइज कर सकेंगे हम। एडमिन पैनल की सारी कोडिंग इस फोल्डर में होगी WP Admin में। नेक्स्ट है WP Content। WP कंटेंट में वेबसाइट का फ्रंट एंड का कोड होगा, थीम्स प्लगइन्स वो होंगे WP कंटेंट में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन है WP इंक्लूड्स। WP इंक्लूड्स में आपके एसेट्स, विजिट्स, मीडिया, लाइब्रेरीज, ये सारा होगा आपका WP इंक्लूड्स में। अच्छा, इतनी ज्यादा फाइल्स हैं, देखिए इतनी ज्यादा फाइल्स बनाने में कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन हमने जल्दी से wordpress.org पे जाके वेबसाइट डाउनलोड कर ली है बिल्कुल फ्री और विद इन नो टाइम। अच्छा, अब हमने देखा है कि इसमें सारी फाइल जो है PHP है। अगर हम कंटेंट में जाके भी देखें, देखिए PHP फाइल है, देखिए सारी फाइल जो है PHP फाइल है। तो इट मीन्स हमें इसके लिए होस्टिंग रिक्वायर होगी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज होस्टिंग। होस्टिंग एक्चुअली वो स्पेस है वेबसाइट्स की जो फाइल्स हैं और जो इसका कंटेंट है, एक्चुअली हमने इसको प्लेस करने के लिए हमें एक स्पेस रिक्वायर है, वो हमारी होस्टिंग होगी। ठीक है, अगर हम अपने PC की हद तक जो है इंस्टॉल करेंगे होस्टिंग, तो वो हमारी लोकल होस्टिंग होगी, वो वेबसाइट सिर्फ हमारे PC में ओपन हो सकेंगी। लेकिन अगर हम इंटरनेट की दुनिया में एक फोल्डर परचेज कर लेते हैं जहां पे जाके हम अपनी वेबसाइट का पूरा कंटेंट प्लेस कर सके, तो वो लाइव होस्टिंग होगी। फिलहाल हमने बिल्कुल लाइव होस्टिंग पर नहीं जाना, हमें चाहिए, हमने जाना है लोकल होस्टिंग पे। तो हम चलते हैं लोकल होस्टिंग पे। यहाँ पे मैं टाइप करूंगी XAMPP ZAP। तो apachefriends.org वेबसाइट से, यहाँ वेबसाइट है जहां पे जाके हमने डाउनलोड करने अपना लोकल होस्ट। यहाँ पे आपने डाउनलोड करनी है 64 बिट की फाइल जो होगी 159 MB। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोडिंग स्टार्ट होके देन आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, एक नोटिफिकेशन शो करेगा डिफेंडर, लेकिन आपने उसको डिनाई नहीं करना, आपने उसको असेस देनी है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देती हूँ। जब आपका आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आपने क्या करना है, जिस PC में जाने लोकल डिस्क C में, यहाँ पे एक XAMPP फोल्डर आपको नजर आएगा। ठीक है, XAMPP फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे। इतनी ज्यादा फाइल्स हैं, हमें इन फाइल्स के साथ कोई कंसर्न नहीं है सिवाय HD डॉक्स की। आपने क्या करना है, इस PC में आने, फिर लोकल डिस्क C में एंड देन XAMPP में। XAMPP के बाद आप आएंगे HD डॉक्स में। HD डॉक्स में इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। जिस PC पे जाएंगे, जो हम फाइल डाउनलोड करके आए हैं, ये जो फाइल हम डाउनलोड करके आए हैं वर्डप्रेस की, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करके इसका नाम रख लेते हैं, एक्चुअली हम इसे फिलहाल मैं आपका task 1 नाम रख लेती हूँ। जो हमारे इस फोल्डर का नेम होगा यही हमारी वेबसाइट की डोमेन नेम होगी। इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। लोकल डिस्क C में जाऊंगी, XAMPP फोल्डर में जाएंगे, HD डॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे।
टास्क वन के नाम से, ये देखिए हमारा फोल्डर यहाँ पे प्लेस हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च बार में आके आप यहाँ पे सैम कंट्रोल पैनल सैम सर्च करेंगे, ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा। अब आपने अपाची और माई एसक्यूएल को यहाँ से स्टार्ट करना है। फिलहाल ये देखिए मेरा स्टॉप है, स्टार्ट है, तो मैं इसको स्टॉप करके आपको दिखा, इस तरह से आपको जो है शो होगा। आपने स्टार्ट पे क्लिक कर लेने और जब ये ग्रीन हो जाएगा इतनी से स्टार्ट हो चुकी, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी चेंज हो चुके, आप इसको बंद करेंगे। अपने ब्राउजर पे आएंगे, हमने अपनी फाइल को लोकल होस्ट के सेम फोल्डर में जाके इस टी डॉक्स में प्लेस किया है। अब हम उसमें थोड़ी सी फंक्शन जो है एडिशन करेंगे, सेटिंग करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश टास्क वन, हम इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा ये देखिए हमें जो है डिफरेंट लैंग्वेज पूछ रहा है कि आपने किस लैंग्वेज में वेबसाइट बिल्ड करनी है, हमें इंग्लिश ही आती है, हम इंग्लिश को करेंगे। मेरा ऊपर रिकॉर्डिंग का स्क्रीन बार शो हो रहा है, इसको साइड पे कर देंगे, इसको हम करते हैं कंटिन्यू। देन ये हमसे डेटाबेस नेम, हमने अभी तक कोई डेटाबेस जो है क्रिएट किया है नहीं किया, हम क्या करेंगे उसके लिए लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माई एडमिन, पीएचपी माई एडमिन डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का एक नाम रख लेते हैं, टास्क वन ही कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। टास्क वन क्रिएट हो चुका है, चलिए हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अच्छा डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है, डेटाबेस फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी हम वेबसाइट पे जाते हैं, कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, कोई फॉर्म हम फिल करते हैं, तो एक्चुअली कोई फंक्शनिंग उसमें होती है, कोई डेटाबेस के होता है उसमें क्रिएट हुआ होता हुआ होता है, जिसके थ्रू जो है हमारी डिटेल्स जो है वेबसाइट के ओनर के पास पहुंच रही होती है। हम अपने पुराने टैब में आएंगे, इस बार को फिर यहाँ से हटा के कहीं और रखते हैं। चले भैया अब हम डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड हमारे हमें मालूम है, लेट्स गो करते हैं। डेटाबेस हम क्रिएट कर चुके हैं, यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नेम रखेंगे, क्या नेम रखेंगे फिलहाल टास्क वन ही रखते हैं। यूजर नेम जो है इसका बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम रूट है, और पासवर्ड हम इसका ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। जब भी हम डेटाबेस का यूजर नेम लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रूट होता है और पासवर्ड इसका हमेशा ही ब्लैंक होगा। डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, इसको हम करते हैं सबमिट। सबमिट कर लिया हमने, रन द इंस्टॉलेशन। देखिए इंस्टॉलेशन रन करने के बाद हमारे पास एक और फॉर्म ओपन हुआ है, ठीक है। इसको अब इसे हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हम ये पूछ रहे हैं साइट टाइटल, साइट टाइटल में आप क्या देना चाहेंगे, मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ डायनामिक डेवलपर्स। यूजर नेम, यूजर नेम आप कोई भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे रखूंगी खदीजा रहमान, ठीक है। मैं अपना नेम यूजर नेम, बल्कि मैं अपना नेम भी नहीं रखती यहाँ पे, हम यूजर नेम कुछ और ही रख लेते हैं, एडमिन रख लेते हैं यूजर नेम, हमने नहीं रखना अपना नेम, एडमिन रख लेते हैं यूजर नेम। पासवर्ड अब हम इसका क्रिएट करेंगे, क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं, कुछ भी रख लें, एडमिन 1 2 3। आपको कह रहा है वेरी वीक पासवर्ड है, भैया मैं वीक ही काफी। अब हमने यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है, ईमेल देंगे, कोई भी ईमेल ले लेते हैं, फिलहाल हम डायनामिक डेवलपर्स की ईमेल दे लेते हैं यहाँ पे, अगर ओपन नहीं है तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल दे देती हूँ। अच्छा इसको आप अनटिक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट किसी को नजर ना आए, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए भाई, हम तो चाहते हैं हमारी वेबसाइट दुनिया को दिखे, लेकिन फिलहाल हम खुद देख सकते हैं। हम यहाँ पे जाके इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देते हैं,
इंस्टॉल कर दो हमारा वर्डप्रेस। अब ये अगेन इंस्टॉलेशन में टाइम ले रहा है, आई थिंक नेटवर्क इशू है, स्लो नेटवर्क है। जल्दी से हो जाओ भाई। चेक पासवर्ड, हाँ मैंने चेक करना भी, फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, इसको लॉग इन कर लेते हैं। हमने इतना मुश्किल पासवर्ड नहीं रखा कि हम इसको सेव कर लें। यूजर नेम मेरा ये नहीं है, एडमिन, और पासवर्ड हमारा है एडमिन 123। रिमेम्बर रखना लो। देखिए भाई, इस तरह से हमारा एक क्लोज। ओके भाई, क्या याद करोगे, सेव कर लो हमारा पासवर्ड। ओके यस, बंद हो जाओ फिर, क्लोज हो जाओ। अच्छा, ये जो है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इस डैशबोर्ड को यूज करके अपनी वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल अगर हमने अपनी वेबसाइट विजिट करनी है तो इस पे जा, अगर हम क्लिक करें तो हम विजिट साइट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट डबल क्लिक करके देखते हैं, हमने इसको लिंक को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि हमें दिखाई तो दे भाई हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ये देखिए, इस तरह की जो है हमें फिलहाल वेबसाइट नजर आ रही है। अब इस वेबसाइट को हम किस तरह से कस्टमाइज करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सी वेबसाइट हमने क्रिएट की है, इतनी कोई खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन इसको हमने किस तरह से खूबसूरत बनाना है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट का ये डैशबोर्ड यूज करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। और फिलहाल हमारी वेबसाइट इस तरह से दिख रही है, लेकिन कल हम इसको अपनी मर्जी से जो है कस्टमाइज करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।